हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड अखिला श्रीवास्तव। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं ब्रेकफास्ट में एकदम यमी रेसिपी जो कि आपकी वेट लॉस में बहुत ही अच्छी हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपके पेट को बिल्कुल लंच तक बिल्कुल फुल रखेगी। दोस्तों, जो मैं आप लोगों को रेसिपी बताने वाली हूँ वो है बिल्कुल हमारी चटपटी बिल्कुल यमी पोहा। अब आप ये सोच रहे होंगे, पोहा खा के कभी वेट लॉस होता है? जरूर होगा, मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मैं खाती हूँ, तो आप मुझे देख रहे हैं कि मेरा कितना वेट लॉस हुआ है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी है, बहुत चटपटी, बहुत स्पाइसी और साथ ही साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया भूख नहीं लगने देगी आपको। तो दोस्तों, वेट लॉस के टाइम पे ना हमें तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें अपना एक डिसिप्लिन बनाना होता है बिल्कुल टाइमिंग से कि हमें ब्रेकफास्ट इस टाइम पे लेना है, हमको लंच इस टाइम पे लेना है, हमको डिनर इस टाइम पे लेना है। टाइम टू टाइम हर चीज़ होनी चाहिए। फिर दूसरा, हम उसे बनाएंगे कैसे, हम उसमें कितनी क्वांटिटी किस चीज़ की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हमें बहुत मैटर करती है। फिर थर्ड, आप उस जो मील आप तैयार कर रहे हो अपने लिए आपको उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, आपको ब्रेकफास्ट में कितना लेना है, आपको फिर लंच में कितना लेना है, फिर आपको डिनर में कितना लेना है। तो हमें ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने वेट लॉस के टाइम पे। और दोस्तों, एक चीज़ तो आप जान लीजिए, सब लोग ये सोचते हैं कि वेट लॉस करना है करना, और सब लोग चाहते भी हैं कि यार कौन नहीं चाहता अपनी परफेक्ट बॉडी, ठीक है, तो लेकिन आसान नहीं होता है। पहले सबसे पहला स्टेप होता है ना, आपको मन बनाना पड़ता है, नहीं मुझे वेट लॉस करना है, मुझे करना है। जब आप ये अपने अंदर लेके आएंगे ना, जब बिल्कुल तभी आप वो चीज स्टार्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप एक हफ्ते करके एक महीने करके आप छोड़ देंगे। सो गाइज, अगर आपको वेट लॉस बिल्कुल करना है तो आपके अंदर बिल्कुल डिटर्मिनेशन होना चाहिए और खुद के साथ आप ऑनेस्ट रहिए। आपको चीट मील नहीं लेना है। आप ये सोचिए कि अरे थोड़ा सा ही ले लेते हैं, थोड़े से ही आपकी पूरे हफ्ते भर की पूरे महीने भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो चीट मील अवॉइड कर दीजिए। अगर बहुत मन है तो मंथ में एक बार चीट मील लीजिए, लेकिन ये भी नहीं कि आपने इतना सारा ले लिया, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब पहले हम रेसिपीज की वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम ले लेंगे 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमारे वेट लॉस में बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी हेल्प करता है। उसमें हम डालेंगे थोड़े से क्यूमिन सीड्स और थोड़े से हम राई के दाने डाल देंगे। इनको हम थोड़ा फ्राई होने देंगे। उसके बाद एक छोटा सा ओनियन डाल देंगे। ओनियन भी हमें एक ही डालना है, थोड़ा सा डालना है। ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी में आपको जितनी बता रही हूँ इतनी ही यूज़ करनी है। उसके बाद थोड़ा स्पाइसी रहे इसलिए मैं 3-4 ग्रीन चिली डाल दे रही हूँ और एक टोमेटो, आपको इतना ही डालना है, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपनी वेजीज आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे इसमें ग्रीन मटर बहुत पसंद है, फ्रोज़न वाली, वो मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़े से पीनट्स, उसको पहले ही मैंने थोड़ा सा तवे पे फ्राई कर लिया था। अब ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा नमक डाल देंगे अपने स्वादानुसार और थोड़ी सी टर्मरिक डाल देंगे। उसके बाद आप इसको थोड़ी देर हल्का सा चला के अब इसको हम थोड़ा देर ढक देंगे ताकि ये थोड़े से अच्छे से नरम हो जाए। तब तक मैंने एक दूसरे बाउल में 1 कटोरी पोहा लिया है और उसको मैंने हल्का सा धुल के भिगा के रख दिया है। अब ये भी देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से नरम हो गया है। थोड़ा तेल कम रहता है तो लगना थोड़ा सा ऑब्वियस है, बट इट्स फाइन, खाने में कोई ऐसा वो नहीं आता है। अब ये पोहा इसमें जो है वो हम डाल देंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहें तो ऊपर से कोरिएंडर लीव्स भी डाल सकते हैं और आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, आपकी च्वाइस पे है। फाइनली देखिए अभी हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। हियर इज माई वेट लॉस रेसिपी पोहा, बिल्कुल यमी, बिल्कुल झटपट, बहुत टेस्टी। आई होप आप लोग को रेसिपीज पसंद आएंगी और आप इसे अपने डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग FB पे हैं, Facebook पर हैं, तो Facebook पे मेरी ID है अखिलास कॉर्नर, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक मेरा दूसरा चैनल है इंडियन यूट्यूबर अखिला, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मेरे ब्यूटी टिप्स, DIY हैक्स एंड साथ ही साथ मेरे वीलॉग्स भी हैं। सो गाइज, आई होप आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है थम्स अप देना बिल्कुल नहीं भूलना। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कमेंट करने से मुझे ये पता चलता है कि मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए यूजफुल हुई, आपके लिए हेल्पफुल है। सो गाइज, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।